गालीबाज नेता कब जाएगा सलाखों के पीछे। चवन्नी छाप नेता की खुल गई अय्यासी की कुंडली। महिलाओं की इज्जत न करने वाले त्यागी के कई महिलाओं से हैं संबंध। क्या हुआ जब पत्नी की प्रेमिका के साथ हुई मारपीट। श्रीकांत त्यागी की पत्नी रंगे हाथों पकड़ चुकी है रंगललियां मनाते हुए। पुलिस कर पाएगी छापेमारी के बाद गिरफ्तारी। समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर बुला के स्टाफ को। तुझे दो कोड़ी के गाड़ देगा, तू पेड़ उखाड़ देगी। ये मेरी प्रॉमिस है। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी। ये है पूरी। तू मालिक है यहाँ की? श्रीकांत त्यागी ये नाम दो दिनों से बहुत चर्चा में है। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला को गाली देते हुए उससे छेड़छाड़ करते हुए वीडियो वायरल होने के बाद तथा कथित बीजेपी नेता के दुर्दिन शुरू हो चुके हैं। पूरे देश में मामला हाईलाइट होने के बाद पुलिस गालीबाज नेता की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाकर दबिश दे रही है। उसकी पुरानी कुंडली भी खंगाली जा रही है जिसमें उसके पुराने कारनामों का पर्दाफाश हो रहा है। इसके करीबियों से पूछताछ करने पर पता चला है कि यह एक नंबर का अय्यास है। इसके कई महिलाओं से संबंध है, पत्नी के साथ इसी वजह से मनमुटाव है। आइए सिलसिलेवार तरीके से इसके पुराने विवादों को आपको बताते हैं। आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतने बड़े अय्यास और फ्रॉड करने वाले नेता को अभी तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा गया। उसे गाजियाबाद पुलिस सुरक्षा किसके कहने पर मिल गई। 2019 में श्रीकांत त्यागी पर ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर बने पार्क और कॉमन एरिया में अतिक्रमण करने का सोसाइटी वालों ने आरोप लगाया। अवैध निर्माण फ्लैट में किया। प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया था लेकिन रसूख से अपने आप को बचा लिया। अभी तक अतिक्रमण हटा ही नहीं। 2020 पत्नी ने उसके खिलाफ फेस्टू थाने में हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज करवाया था लेकिन राजनीतिक संबंधों का प्रयोग करके पत्नी को दबाव में लिया, फिर दोनों के बीच समझौता हो गया। 2020 में श्रीकांत त्यागी को पत्नी ने लखनऊ के ग्रीन वुड्स अपार्टमेंट में एक महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। त्यागी की पत्नी और महिला ने गोमती नगर थाने में एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। दोनों महिलाओं के बीच मारपीट भी हुई थी। इसके अलावा भी कई महिलाओं से संबंध की बात सामने आई है। अवैध कमाई से खरीदी गई लग्जरी कारों पर यूपी सरकार के फर्जी स्टिकर बिना किसी पद के लगाकर चलता था। पुलिस ने नहीं उठाया अब तक कोई कदम मामले के तूल पकड़ने के बाद की कार्रवाई। इतना ही नहीं, सोसाइटी के लोग बताते हैं कि इसके फ्लैट पर कई लड़कियों का आना जाना था। क्रूर इंसान सोसाइटी के बच्चों पर भी अपना रौब जमाना चाहता था। अपने प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से धमकी देता था मासूमों को। उन्हें पार्क में खेलने से मना करता था। अतिक्रमण के खिलाफ बोलने पर रौब झाड़ता था, धमकी देता था। ऐसे में क्या जांच इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि किसकी मदद से त्यागी नोएडा से आसानी से भाग गया। सिर्फ एक बार मुरादनगर विधानसभा से दावेदारी पेश करने पर ही इसे सुरक्षा क्यों दे दी गई। हंगामा मचरे और मीडिया में बीजेपी नेता बताकर खबर आने के बाद ही क्यों सक्रिय हुई नोएडा पुलिस। इस बीच विवाद बढ़ता देख बीजेपी ने सफाई दी है कि ये बिगड़ैल नेता उनकी पार्टी का सदस्य नहीं है लेकिन राजनीति का नहीं है। ये विषय अब कानून व्यवस्था का है और पुलिस के इकबाल का है। कमिश्नरी की कमान संभाल रहे नोएडा के कमिश्नर को जवाब देना ही होगा कि फर्जी नेता गिरफ्तार कब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अस्तित्व न्यूज़।